नमस्कार साथियों, आप सभी का आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी में स्वागत है। आज जो आईटीआई कर चुके हैं यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो 2 इयर्स का डिप्लोमा किए हैं, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार सरकार की एक कंपनी है जो कि बिहार सरकार विद्युत बोर्ड जो था, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी जो आपको पूरे राज्य में विद्युत सप्लाई करता है, यानी बिजली जो देता है, वो आपका जो विद्युत बोर्ड है वो आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बन चुका है। और दोस्तों, यहां तक कि विद्युत बोर्ड कंपनी लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, खास करके कौन से ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन, जो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 इयर्स का कोर्स किया, चाहे वो एससीबीटी का हो यानी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, या एनसीबीटी हो यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का, उससे यदि सर्टिफिकेट लिए हैं यानी कोर्स आपने 2 इयर्स का किया है, तो आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार देती है। उसमें भी आपको पद जो है इस प्रकार से पद आएगा, आईटीआई यदि आप किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको देती है पोस्ट। एसबीओ, एसबीओ का मतलब होता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर पद है। एलएम, एलएम का मतलब होता है लाइनमैन। तीसरा है टेक्निकल ऑपरेटर होता है टीओ, और चौथा है आपका T4 यानी टेक्नीशियन फोर्थ, यानी 4 टाइप का जो है आपका पद आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, है ना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है जो सिर्फ आईटीआई वाले पढ़ सकते हैं, इसमें पॉलिटेक्निक के छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ आईटीआई के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं दोस्तों। अब आते हैं सर, इसकी वैकेंसी कब आने वाली है। इसकी वैकेंसी जल्दी बिहार सरकार आपके बीच लाएगी, इसलिए सभी युवा साथी जो भी टेक्निकल डिग्री यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कर चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी साथी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं। पिछले साल भी हमारे बहुत सारे छात्र नौकरी कर रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, बहुत सारे रेलवे में है, उन लोगों का कुछ लोगों का कुछ नंबर से छूट गया था। इस बार बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए स्पेशल सिस्टम से इस बार क्लास भी शुरू करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले होता है सिलेबस, यानी क्या क्या पूछेगा आपके लाइनमैन के एग्जाम में, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के एग्जाम में। सबसे पहले ननटेक, ननटेक का मतलब होता है टेक्निकल नहीं, यानी जीके जीएस आपको पूछेगा, हिंदी और अंग्रेजी भी पूछी जाएगी। ये जो होगा कौन सा लेवल का होगा, 10th लेवल का। कौन सा लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा सर, यानी 10वीं कक्षा तक का जीके जीएस और हिंदी और अंग्रेजी। अब आते हैं सर नॉन-टेक के साथ टेक्निकल भी पूछा जाता है। टेक्निकल में आपका ट्रेड पूछा जाएगा, ट्रेड का मतलब आपका इलेक्ट्रीशियन, क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आप पढ़े होंगे 2 साल में, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपको पूछा जाएगा सर। चलिए, और उसके बाद आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक टॉपिक है उसके बारे में पूछा जाएगा। और ट्रेड और कंप्यूटर जो है आपका टेक्निकल टॉपिक है, और नॉन टेक में आपका जीके जीएस है और आपका हिंदी और अंग्रेजी है दोस्तों। अब इसको कैसे करेंगे, जब अगर यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले ये जानेंगे। एग्जाम का पैटर्न आपको सीबीटी होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू है। लेकिन ये कॉमन चीज है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, अगर सीबीटी में आपका मार्क्स अच्छा है पर्सनल इंटरव्यू में आप जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये सब बहुत ही सुना है, क्योंकि आप बिहार के छात्र हैं, आप नौजवान हैं, आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, आप एनर्जी को अगर एक सही रूप में डालते हैं दोस्त, तो आप नौकरी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में कर सकते हैं, यानी बिहार सरकार में आपको नौकरी मिल सकती है, जो बिजली पूरे बिहार को जो बिजली देती है, यानी बिजली विभाग में यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे दोस्तों। ये आपका सिलेबस है, विषय वस्तु है, और इसके जो बैचेज हैं, इस बैचेज के लिए मैं आपके बीच में आऊंगा कि किस तरह से तैयारी शुरू की जाए, किस तरह से आपको क्लास मिलेगा, किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में कुछ समय है, तो आपकी तैयारी वैकेंसी आने तक इतनी बेहतर हो जाए, इतनी बेहतर हो जाए कि कुछ कहने लायक नहीं है। दूसरा बस इस एग्जाम में एक खासियत है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है दोस्तों, है ना, यानी जितना आप टिक मारते हैं, लेकिन आप एक्यूरेसी सही सही की जब बात करेंगे ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपके बीच आऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन, अगर आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो दोस्तों विश्वास रखो, आपके साथ मैं इतना दिनों से हूं, आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूं दोस्तों। तो आप लोग बेसिक रूप से जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वो आदमी
आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमको आप बताइए क्या आपको मदद कर सकता हूं, क्या आप बिजली विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी चाहत, मेरी मिशन है कि आपको बिजली विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए। इसी वादा और इरादा के साथ आप सभी का धन्यवाद।